गाइस, काफ़ी टाइम पहले मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बोल दिया था कि मिनी क्लिप को जितने भी इवेंट्स हैं इनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी इवेंट्स आ रहे थे लोग उनको 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेते थे। तो मैंने कहा था कि इवेंट्स को कंप्लीट करने में कम से कम हमें थोड़ा टाइम लगना चाहिए। तो लगता है मिनी क्लिप ने मेरी इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है और इसके असरात हमें बैटल टावर वाले इवेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हमें 1500 पॉइंट्स करने हैं न्यू टेबल्स को खेलकर। और कोई आइडिया है इन टेबल्स पर हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? 35, 40 और 60 पॉइंट्स। यानी कि अगर आप 50,000 वाला ये वाला भी टेबल खेल कर जो है ना इस इवेंट को कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको 40 मैचेस कम से कम विन करने पड़ेंगे। और वहीं पर भी अगर आप मैचेस बीच में कुछ हारते हो तो आपके पॉइंट्स कम भी होंगे और 40 मैचेस में जो कॉइंस की बर्बादी होगी वो अलग से। हाँ, अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही कॉइन्स हैं तो आप 2 लाख वाला टेबल खेलो, आपका इवेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और उतनी ही जल्दी आपके कॉइन्स भी कम होते जाएंगे। गाइज, इस वीडियो का मतलब किसी को भी हेट पहुंचाना नहीं है और ना ही ये वीडियो मैं मिनी क्लिप के अगेंस्ट बना रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो के अंदर मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि यार क्या होना चाहिए था। अब यहाँ पर देखें, जितने भी यहाँ पर हमें रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं इनमें हमें कोई भी खास रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता। हाँ, लास्ट में जो परमानेंट अवतार वाला रिवॉर्ड दिया है वो अच्छा है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। और मिनी क्लिप ने कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट बना दिया इस इवेंट को। और मुझे हैरानी हो रही है भाई, ये टिकट पूरे इवेंट के अंदर हमें एक जेम्स गाला का टिकट देखने को मिल रहा है। मतलब इतना बड़ा जैकपॉट ऑफ द मंथ का इवेंट है जिसमें लोग अपने हज़ारों जेम्स यूज़ कर देते हैं, फिर भी जो है ना यहाँ पर हमें मेन रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता। और मिनी क्लिप हमें दे रहा है एक टिकट, जिससे क्या निकलेगा यार, एक टिकट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैकपॉट ऑफ द मंथ के अंदर। और गाइज, अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करते हो तो भाई कॉमेंट्स ज़रूर करना है आज आपने इस वीडियो पर, क्योंकि आप लोग जानते हैं मिनी क्लिप वाले मेरी हर वीडियो देखते हैं। मिनी क्लिप की जो टीम है वो सारी मेरी वीडियोस, बल्कि मेरी क्या सभी क्रिएटर्स की वीडियोस वो लोग देखते हैं। तो आज के इस वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट करना है कि भाई आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। यहाँ पर देखें तो जेम्स गाला और बैटल टावर मिनी क्लिप ने कहा हुआ है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप इन इवेंट्स से टिकट्स ले सकते हैं। और टिकट कितने ले सकते हैं? टोटल 4 टिकट्स, जिससे क्या निकलने वाला है मिनी क्लिप के लिए। यार मेरे पास जो है ना एक अच्छा ओपिनियन है अगर मिनी क्लिप जो इस आइडिया को अप्लाई करे इस इवेंट के अंदर। आप यहाँ पर देखें तो हमें जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 900 पर रिवॉर्ड मिल रहा है, फिर 1100, फिर 1500, बीच में इतने सारे, जैसे कि 1000 पर भी रिवॉर्ड होना चाहिए, फिर 1200 पर, फिर 1300 पर, हर 100 के बाद एक रिवॉर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर जो है ना कम से कम इस पूरे इवेंट के अंदर 10 जेम्स गाला वाले टिकट्स और ऐड कर देने चाहिए। और जो लास्ट में अवतार वाला मतलब जो रिवॉर्ड है ना उसके नीचे 1400 पॉइंट्स पर हमें जो है 5 टिकट्स देखने को मिलने चाहिए थे, तब भाई आप देखते कि लोग कैसे इस इवेंट को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अभी मुझे पता है जितने भी लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इस इवेंट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बताना है अपने बारे में आपने कॉमेंट्स में कि यार आप इस इवेंट को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। भाई मैं तो कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये न्यू टेबल भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बाकी आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कर देना अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं। बाकी यार आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।